कहाँ चल रहा है? सीतामढ़ी घूमने को अंधारी वाले में रख दो। चलिए मिलते हैं वहाँ पहुँच। सवारी तैयार है तो बैठने की। यहाँ पर सब लोग जूता चप्पल उतार रहे हैं। इतने प्राणी आए हैं। प्राणी मनुष्य प्राणी मनुष्य एक ही होते हैं। तुम एक काम करो चप्पल उतार लो। और मैं तो कहते हैं यहाँ पर ये सीतामढ़ी में एंट्री का गेट है और इसके अंदर है सीता जी। यहाँ पे सीता समाहित स्थल है और सीता जी की बहुत बड़ी सी मूर्ति है। बहुत इधर देखिए, ये सब यहाँ के बगीचे हैं। ये दीदी है और ये देखिए शंकर जी का मूर्ति है, उस पर झरना की तरह बना है। बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनोहर और बहुत ही शांति वाली जगह है। खैर अभी तो हम लोग जल्दबाजी में गए थे तो उतने अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से हमने आपको नहीं दिखाया, क्योंकि हमें उसी दिन लौटना भी था और वहाँ पे फिर उसके बाद इसीलिए हम सोचे कि चलिए थोड़ा बहुत जो है आपके साथ शेयर कर दे रहे हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे। और ये देखिए एंट्री गेट है और यहाँ के यहाँ से अंदर जाएंगे तो आप जाएंगे तो आपको सीता जी का मूर्ति मिलेगा। बहुत ही सुंदर मूर्ति है, बहुत ही प्यारी मूर्ति है, बहुत ही और बहुत शांत वातावरण है। आज ऐसे तो यहाँ पर बहुत भीड़ रहता है पर अभी यहाँ कोई भीड़ वीड़ नहीं है, आज नहीं था क्योंकि पितृपक्ष का था, संडे को गए थे हम लोग। तो आप लोग देखिए अब हम लोग अंदर जा रहे हैं तो आइए आपको भी दिखाते हैं अपने साथ। और ये देखिए इधर है, ये तालाब है, मतलब गंगा जी नदी है जो उसी उन्हीं का पानी जो इधर रहता है। ये सब उसमें कमल उमल खिले हैं और ये देखिए कितनी प्यारी कितनी सुंदर मूर्तियां हैं। और ये देखिए ये रही हमारी सीता माँ, बहुत ही प्यारी, देख रहे हैं ना आप लोग कितनी सुंदर है। मन को बहुत शांति मिलती है यहाँ पे आके। तो जब भी दीदी के हम लोग जाते हैं तो यहाँ ज़रूर जाते हैं। और तो यहाँ पे जल्दी बाजी था तो थोड़ा बहुत सूट किए। और एक पुराना है जो हम कभी नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो आपको पुराना वाला भी दिखाएंगे। ये सीता जी की मूर्ति है और बेसमेंट में सीता समाहित स्थल है जो कि सीता जी जब समाहित होती हैं वो बना है। तो आप देखिए यहाँ पर मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं। तो अभी ये था कि प्रसाद सिर्फ इसे छुआ के ले लेना है, कोई प्रसाद चढ़ाना नहीं है। तो अभी देखिए तो पता नहीं था तो फिर वो फाड़ दिए थे, फिर उसके बाद उसको छुआ के रख लिए थे। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में, देखते रहिए।
और ये देखिए सीता समाहित स्थल जहाँ पे सीता जी समाहित हो गई थी, ऐसी मान्यता है। और कितनी प्यारी, कितनी शांत, सच में यहाँ पे आने के बाद मन करता है कि यहीं पे रह जाएं। बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही। और ये सब देखिए दीवारों पे टंगी हुई पेंटिंग है, सब आप देख सकते हैं। बने रहिए हमारे ब्लॉग में, आगे भी दिखाएंगे हम आपको बहुत कुछ। अभी हम लोग चलेंगे यहीं पे, हनुमान जी का है वो गुफा, वो उसमें चलेंगे। पर उसके पहले हम आपको ये सब दिखा रहे हैं साइड का, ये सब यहाँ नाव से घूम भी सकते हैं। फिलहाल इस समय तो खूब ज़्यादा कमल का वो सब भर गया है, कमल के पत्ते हैं, कमल खिला है। पढ़ने में क्या इधर पढ़ने जय ये देखिए हनुमान जी की कितनी विशाल काय मूर्ति यहाँ पे बनी है, बहुत ही सुंदर है। कितने अच्छे से पत्थरों के, मतलब ऐसा बनाया गया जैसे पत्थरों के ऊपर विराजमान है हनुमान जी, बहुत ही अच्छा लगता है। और अंदर हम आपको चलिए दिखाते हैं, हनुमान जी का दर्शन भी कराएंगे आपको। ये प्रवेश द्वार है, आप देख सकते हैं अभी हम लोग अंदर घुसेंगे। ये भी गुफा के जैसे ही बना है। ये सब देखिए हर जगह चित्र यहाँ पे किए गए हैं, बनाए गए हैं। तो ये देखिए ये पत्थरों से ही ऐसा बनाया कि जैसे ये रियल के पेड़ हो, वास्तव में ये पेड़ हो। ये रहे हमारे हनुमान जी का मंदिर है, ये हनुमान जी हैं यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। और ये देखिए मेरे हनुमान जी को, यहाँ पे देखिए हनुमान चालीसा लिखा है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करिए। और ये देखिए अनुकृत किए गए हैं, सारे चित्रों को दिखाया गया, दर्शाया गया है कि कैसे लवकुश का है, कैसे वहाँ पे तीर धनुष चलाना सीख रहे हैं, रामचंद्र और सिया जी की शादी को दिखाया गया है, वाल्मीकि का शिक्षा ग्रहण करने वाला दिखाया गया है, हनुमान जी को दिखाया गया है। तरह देखिए ऐसे हर जगह दिखाया, वहाँ पर बहुत सुंदर से इन सब चीज़ों को दर्शाया गया है, बहुत ही सुंदर है। और अब हम लोग यहाँ से वापस चल रहे हैं, वापस जाने का समय आ गया क्योंकि मुझे घर भी वापस आना था जल्दी से जल्दी। तो देख लीजिए हम लोग यहाँ से चल रहे हैं, और चलते चलते हमने सोचा आपको सीता जी की एक छोटी सी मूर्ति जो अंदर बनी है वो भी दिखा देते हैं। तो देख लीजिएगा कितनी प्यारी है और कितनी सुंदर है ये मूर्ति। जय माता रानी की, जय सीता माँ की, जय हनुमान जी की, जय श्री राम। और अब हम लोग वापस घर जा रहे हैं, हमने आपको सीतामढ़ी का दिखा दिया प्रॉपर ब्लॉग, हम आपको नेक्स्ट टाइम दिखाएंगे अच्छे से सब कुछ ऐड करके। और यहाँ पे मैं दीदी से बोल रही थी कि दीदी रोइएगा मत, अब प्लीज़ हम दोबारा फिर आएंगे, क्योंकि कुछ हमें निकलना भी था 4 बजे, कुछ ही घंटों के लिए गए थे पर कुछ ही घंटों के लिए मिले, बहुत अच्छा लगा। मिस यू दी, मिस यू पार्थ प्रखर, मिस यू ऑल ऑफ यू। और अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बहुत टायर्ड हो गए थे यार, बहुत ज़्यादा। अब हम लोग घर पहुंच गए, बहुत थक गए हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको हमारे ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।